हेलो गाइस, निकितास किचन फूड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है गाइस, वो क्रीम के बारे में है, विप क्रीम के बारे में। तो बहुत लोगों के मुझे सवाल आए थे कि उनकी क्रीम जो है वो अच्छे से बीट नहीं होती है, बीट होने के बाद वो जल्दी से मेल्ट हो जाती है, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं आज के वीडियो में देने की कोशिश करूँगी गाइस। तो क्रीम जब भी आप बीट करते हैं तो बहुत छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है कि क्रीम को अच्छे से बीट कैसे करना है, फिर वो मेल्ट ना हो इसके लिए क्या करना है। तो यही सारी बातों का ध्यान रखे हमें क्रीम को जो है वो बीट करना होता है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है गाइस, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये डिलाइट का क्रीम है। ये जो क्रीम है ना गाइज, ये 1 kg के पैक में आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1 kg का पैक। तो इसे हमें फ्रीज़र में स्टोर करना होता है। आप देख सकते हैं इसमें अंदर पूरा बर्फ़ बना हुआ है। ये जो क्रीम है ये अभी लिक्विड नहीं है, तो इसे हमें कंपलसरी फ्रीज़र में ही स्टोर करना होता है। इसे हम फ्रीज में स्टोर नहीं कर सकते हैं गाइज। जब आपको आइसिंग करने के लिए क्रीम चाहिए होता है तो वो वाला क्रीम जो है वो आपको लिक्विड चाहिए होता है, तो तब आप इसे फ्रीज़र से निकाल के आप फ्रीज में रख सकते हैं, या फिर बाहर आप 2-3 घंटा इसे रख सकते हैं। और जब ये क्रीम लिक्विड हो जाए तब आप इसे बीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके प्राइस की मैं बात करूँ तो मुझे ये 170 में मिला था। तो अलग अलग कंपनी के क्रीम है वो अलग अलग प्राइजेस में होते हैं। तो ट्रोपोलाइट का होता है, सनविप का होता है, स्टार विप का होता है, इस तरह के अलग अलग कंपनी के क्रीम मार्केट में मिलते हैं गाइस। आपको जो अवेलेबल हो वो क्रीम आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी क्रीम आपको बीट अच्छे से करना है गाइस। क्रीम में कभी भी कोई भी क्रीम में प्रॉब्लम नहीं होती है, हम जब बीट करते हैं उसे तब हमें सारी जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी होती है गाइस। अगर आप बिगनर हैं, नए नए केक बनाना सीख रहे हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्रीम बीट करने में। लेकिन आप भी अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप भी क्रीम को जो है वो अच्छे से बीट कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मेरे पास जो है ये खुला हुआ एक पैकेट है। तो इसे मैंने 2-3 घंटा पहले फ्रिज से बाहर निकाल के रखा था। तो इसे हमें इस तरह से ओपन करना होता है, और इसमें जो लिक्विड क्रीम है वो हमें यूज़ करना है बीट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने 2-3 घंटा पहले बाहर निकाला था, तो ये क्रीम जो है ये पूरा पतला हो गया है। लेकिन ये चिल्ड है, एकदम ठंडा क्रीम है ये। और क्रीम हमें जितना चाहिए उतना हम निकाल ले, और सेम इसी तरह से बॉक्स को पैक करके हमें ऐसे ही फ्रीज़र में इसे स्टोर कर देना है गाइस। तो मैं दिखाती हूँ किस तरह का हमारा क्रीम होना चाहिए जब हम इसे बीट करेंगे। तो क्रीम हमारा लिक्विड तो होना चाहिए गाइस, लेकिन उतना ही ठंडा हमारा क्रीम होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसे बीट करेंगे तब ये बीट करते वक्त इसका जो टेम्परेचर है वो हमें मेंटेन करना होता है गाइस। तो क्रीम जो है वो हमारा एकदम चिल्ड होना चाहिए, ये क्रीम आपका गर्म नहीं होना चाहिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप नए हैं तो आप उसे क्रीम को फ्रीज़र से निकाल के आप फ्रीज में उसे रख सकते हैं जब तक वो लिक्विड नहीं होता तब तक, और सिर्फ 1 घंटा आप उसे बाहर रख सकते हैं लिक्विड होने के लिए। अब यहाँ मैंने क्रीम निकाल लिया है, आप देख सकते हैं कितना लिक्विड हमारा क्रीम है और उतना ही ठंडा है। अब यहाँ मैंने बर्फ लिया है नीचे बाउल में, और उसके ऊपर मैं ये क्रीम का जो बाउल है वो रखने वाली हूँ। इससे हमारे क्रीम का जो टेम्परेचर है ना गाइस वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि हमने फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा क्रीम था, फिर हम जब उसे लिक्विड क्रीम जब बन गया वो, तब भी वो ठंडा ही है। और अब हम इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने वाले हैं, क्योंकि नीचे हमने यहाँ पे बर्फ़ रख दिया है। अब जिस भी बाउल में आप क्रीम बीट करने वाले हैं उस बाउल में आपको बहुत सारा क्रीम लेके बीट नहीं करना है गाइस, इससे भी आपका जो क्रीम है वो मेल्ट होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बीटर का ब्लेड है, इससे आधे से भी कम आपको क्रीम लेना है, क्योंकि ये 2 से 3 गुना क्रीम जो है वो हमारा फूलता है। तो आपको कम ही क्रीम लेना है, बहुत ज़्यादा क्रीम लेके आपको बीट नहीं करना है। अब यहाँ पे आप मेरा बीटर देख सकते हैं, इस पर 5 नंबर तक स्पीड बना हुआ है। तो आपको बीटर भी अच्छा लेना है गाइस, 300 वॉट के ऊपर का ही, या फिर 300 वॉट का आप बीटर ले सकते हैं। तो बीटर का भी बहुत बड़ा रोल होता है क्रीम बीट करने में। अगर आपका बीटर 300 वॉट के नीचे का है तब भी आपकी क्रीम अच्छे से बीट नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम होगी क्रीम बीट करने में, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें।
अब मैंने बीटर को ऑन कर दिया है और एक जो स्पीड है मतलब 1 नंबर का जो स्पीड है उस पे ही मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे बीट करने वाली हूँ। तो आपको धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ाना है, एकदम हाई स्पीड पे इसे बीट नहीं करना है गाइस। तो सबसे पहले मैं 1 पे इसे बीट करूँगी, बाद में मैं इसे 3 या 4 पे ले जाके बीट करूँगी। अब 1 मिनट हो गया है, अब यहाँ मैंने स्पीड जो है वो बढ़ा दिया है, तो यहाँ मैंने 3 की स्पीड पे अब यहाँ पे मैं बीट कर रही हूँ। तो वीडियो को मैंने कहीं पे भी स्किप नहीं किया है गाइस, सिर्फ थोड़ा सा फास्ट किया है लेकिन स्किप नहीं किया है, ताकि आपको समझ में आ सके कि क्रीम किस तरह से बीट हो रही है। और क्रीम जब आप बीट कर रहे हैं तो आपको बीटर जो है वो इस तरह से गोल गोल घुमाना है, एक जगह पे बीटर रख के क्रीम को आपको बीट नहीं करना है। और जो आप बाउल यूज़ कर रहे हैं क्रीम बीट करने के लिए, उसे भी आपको इस तरह से गोल घुमाना है, ताकि चारों तरफ से क्रीम जो है वो हमारा अच्छे से बीट हो सके। अब इसे मुझे बीट करते हुए 2 मिनट हो गए हैं, 1 मिनट लो स्पीड पे और 1 मिनट मीडियम स्पीड पे। अब आप क्रीम देखेंगे तो ये क्रीम थोड़ा सा सॉफ्ट ही है, ये अभी भी स्टिफ पीक नहीं बना है, ये सॉफ्ट ही है। तो अब मैंने स्पीड को 5 पे कर दिया है और इसे मैं 2 से 2.5 मिनट के लिए बीट करूँगी। तो इतने ही टाइम में हमारा क्रीम जो है वो अच्छे से बीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा देर तक आपको क्रीम बीट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है गाइस। अगर आपके बीटर में चार, कई कई बीटर होते हैं जिसमें 4 तक ही स्पीड होते हैं, तो उस वाले बीटर को आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, 5 या 6 मिनट लग सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं गाइस, जब क्रीम बीट होती है तो हमारा बीटर जो है वो भी थोड़ा सा हैवी लगने लगता है हाथ में, जब हम उसे गोल गोल घुमाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्रीम जो है ये हमारी अच्छे से बीट हो गई है, जो बीटर जो है वो भी थोड़ा हैवी लग रहा है, तो क्रीम हमारी पूरी तरीके से बीट हो गई है गाइस। तो ये भी साइन होते हैं, क्रीम हमारी बीट हो गई है। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से वेव भी बन गए हैं, तो क्रीम जो है ये हमारी अच्छे से स्टिफ हो गई है, अच्छे से बीट हो गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इससे ज़्यादा आपको क्रीम को बीट नहीं करना है गाइस, अगर इससे ज़्यादा आप बीट करेंगे तो ये क्रीम जो है ये फटने लगेगी। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे स्टिफ पीक जो है वो बन रहे हैं, मतलब हमारी क्रीम जो है वो अच्छे से बीट हो गई है। तो इसी तरह से आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है क्रीम बीट करते वक्त गाइस, तो आपकी क्रीम जो है वो कभी भी मेल्ट नहीं होगी। तो अब नीचे बर्फ़ रखा हुआ है, तो हमारी क्रीम जो बीट हुई है वो भी अभी चिल्ड है, मतलब पूरी तरीके से ठंडी है। तो आप देख सकते हैं ये स्टिफ पिक मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, तो क्रीम हमारी कितनी अच्छे से बीट हो गई है। तो मुझे ये क्रीम बीट करने में 4 से 5 मिनट लगे हैं, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता है क्रीम बीट करने में। तो क्रीम तो हमारी अच्छे से बीट हो गई है, क्रीम हमारी ठंडी भी है। अगर आपको केक को आइसिंग करने में अभी टाइम है तो आप इसे ढक के फ्रीज में रख दें, आपको इसे बाहर नहीं छोड़ना है गाइस, क्योंकि क्रीम का टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर पे वो आ गई है तो तभी भी वो क्रीम मेल्ट हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसे आप ढक के फ्रीज में रख दें, जब आपको केक को आइसिंग करना है तब आप इसे बाहर निकालें, और जितना क्रीम आपको आइसिंग करने के लिए लगने वाला है उतना ही क्रीम आप बाहर निकालें, और बाकी का क्रीम है वो ढक के फिर से आप फ्रीज में रख दें। तो अब देखिए, अब मैं केक को जो है वो आइसिंग करने वाली हूँ, तो यहाँ मैं बाउल में क्रीम निकाल रही हूँ, तो जितना मुझे आइसिंग के लिए क्रीम लगने वाला है उतना क्रीम मैं बाहर निकाल रही हूँ, और बाकी का जो क्रीम है उसे ढक के फिर से मैं उसे फ्रीज में रख दूँगी गाइस, सॉरी। अब इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है, ताकि इसमें कोई एयर बबल्स वगैरह होंगे तो वो निकल जाए। तो देखिए कितनी स्टिफ है हमारी क्रीम, तो जितना मुझे आइसिंग के लिए लगने वाली है उतनी ही मैंने बाहर निकाली, बाकी डेकोरेशन के लिए जो क्रीम है वो मैं बाद में यूज़ करूँगी, तो उसे मैंने फ्रीज में रख दिया है। अब आप इस क्रीम में कलर मिलाइए या फिर आप इस क्रीम से डेकोरेशन करिए, आपकी क्रीम जो है वो मेल्ट नहीं होगी गाइस। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें कलर मिलाया, तो कहीं भी क्रीम जो है वो मेल्ट नहीं हुई है।
अब जब आप इसे डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे गाइस, तो आपको पाइपिंग बैग में बहुत सारा क्रीम नहीं भरना है, क्योंकि हमारी हाथ की जो गर्मी होती है उससे भी क्रीम जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा क्रीम लेके आप केक को डेकोरेट कर सकते हैं गाइस। तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जब आप बिगनर्स होते हैं, नए नए केक बनाते हैं, तब ये प्रॉब्लम होती है गाइस। तो आपको खास इस बात का ध्यान रखना है कि क्रीम हमारी मेल्ट ना हो। तो बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि क्रीम में शुगर डालना है, मतलब पाउडर शुगर, आइसिंग शुगर डालना है या फिर कॉर्नफ्लोर डालना है, तो ये कुछ भी क्रीम में ऐड नहीं करना है गाइस। इससे आपकी क्रीम खराब होगी, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रीम में जो है वो ऑलरेडी शुगर होती है, तो हमें क्रीम में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है गाइस। तो गाइस, ये था मेरा आज का सिंपल सा वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।